सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप खुश रहना चाहती हैं तो आप कम साधनों में भी सुखी रह सकती हैं, परंतु अगर आपको खुश रहना ही नहीं आता तो आप किसी भी स्थिति में दुखी ही रहोगी, चाहे आपको सोने के महल ही क्यों ना मिल जाए। अगर आप कुछ छोटा सोचते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं। आज का पंचांग 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 5:08 तक 11 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:34 से 2:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मेष राशि 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे किंतु अनावश्यक खर्चे ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। अजग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप अपने विवेक और समझदारी द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम भी बन सकता है। कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निकट भविष्य में फायदा होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आस्था बढ़ेगी। अपनी कार्य क्षमता का ठीक से इस्तेमाल करें। लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अहंकार और बेकार बातों में उलझे रहना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। वक्त का ठीक से इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। किन लोगों का साथ प्राप्त करके काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है ये जानने की कोशिश करें। पार्टनर को दिए गए वचन का पालन होगा। शुगर से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है क्योंकि सबको खुश रखने की प्रवृत्ति आपके खुद के कार्यों को बाधित करेगी, परंतु संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने निकट संबंधियों के साथ भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। कटुवाड़ी से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता तथा नजदीकियां रहेगी, परंतु बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत मामलों पर ना पड़ने दें। विवाहेतर संबंधों से दूर रहना भी उचित है। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफी उत्साहित हैं, लेकिन गलती से यह सब एक सामान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कि आपके पसंदीदा मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आपके पार्टनर आपकी देखभाल और अपने लिए आपकी फिक्र से प्रभावित होंगे। आपको भी इससे संतुष्टि मिलेगी। बात करते हैं करियर की। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाएंगे तो शायद ही इन बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। बात करते हैं सेहत की। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजें भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। सेहत का पूरा ख्याल भी रखें। आज का उपाय, आज आप तुलसी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।